चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्यारे दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे अगर आपके अंडकोश लटक गए हैं तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें। प्यारे दोस्तों, अंडकोश लटकने के बहुत से कारण हो सकते हैं। कई लोगों का एक अंडकोश लटक जाता है, कईयों के दोनों लटक जाते हैं और इसमें कई बार भयंकर दर्द भी होता है। अगर आपको अपने अंडकोश में पुलपिलापन महसूस होता है, छूने पर दर्द होता है या पानी भरा हुआ महसूस हो सकता है तो आपको हाइड्रोसिल हो सकता है। कई बार इसमें नीली नीली नसें नजर आती हैं, कई बार एक तरफ नजर आती है, कई बार दोनों तरफ नजर आती है और इनमें कई बार दर्द भी होता है और उभार काफ़ी नजर आता है, कई बार सूजन भी हो जाती है, तो हो सकता है आपको वेरिकोसिल हो। कई बार अंडकोश को छूने पर मटर जैसे दाने महसूस होते हैं और उसमें दर्द भी होता है या छूने पर वो सख्त भी हो जाते हैं, तो हो सकता है आपको एपिडर्मल सिस्ट हो। वजन उठाने पे, चोट लगने पे या झटका लगने पे अंडकोश में दर्द महसूस होने लग जाता है। इसलिए आप सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, अगर आप कोई टू व्हीलर चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं या जिम कर रहे हैं तो आपको इस बात का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि आपके अंडकोश में झटका ना लगे। ज्यादातर ये प्रॉब्लम झटका लगने के कारण ही होती है। चोट लगने या झटका लगने से हाइड्रोसिल हो सकता है, वेरिकोसिल हो सकता है, एपिडर्मल सिस्ट हो सकता है, आपका अंडकोश घूम भी सकता है, उसमें दर्द या स्वेलिंग हो सकती है। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या महसूस होती है तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी डायग्नोस्टिक सेंटर पर जाकर उसका अल्ट्रासाउंड कराएं और अल्ट्रासाउंड हमारे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, शेयर करें। आपके रिपोर्ट्स को देखने के बाद हम आपको बता पाएंगे कि वास्तव में आपको प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम को देखने के बाद हम आपको बताएंगे इसका इलाज कैसे करना है, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या क्या परहेज आपको करना है। और अगर आपकी ऐसी कोई समस्या होती है तो सबसे पहले आप लंगोट या सपोर्टर पहनना शुरू करें। अगर आपको या आपके किसी रिश्तेदार को या दोस्त वगैरह को इस तरह की कोई समस्या है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।